ऑन सेक टीटा माइनस टेन टीटा इज इक्वल टू सेक टीटा प्लस टेन टीटा. लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वन अपॉन सेक टीटा माइनस टेन टीटा, वन अपॉन सेक टीटा माइनस टेन टीटा. ऐसे टाइप का सम आएगा तो इसको भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करो, वन अपॉन सेक टीटा माइनस टेन टीटा मल्टीप्लाई सेक टीटा माइनस टेन टीटा ना, इसका कॉन्जुगेट आएगा सेक टीटा प्लस टेन टीटा, सेक टीटा प्लस टेन टीटा. वन अपॉन सेक टीटा माइनस टेन टीटा का मैंने क्या था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. सेक टीटा माइनस टेन टीटा का कॉन्जुगेट है सेक टीटा प्लस टेन टीटा. सेम तुम लोग ऊपर लिखो मल्टीप्लाई का मतलब साइड मल्टीप्लाई, वन इंटू सेक टीटा प्लस टेन टीटा सेम आंसर आएगा सेक टीटा प्लस टेन टीटा. अभी डिनोमिनेटर में देखो सेक टीटा सेम है, टेन टीटा सेम है, एक जगह माइनस है और एक जगह प्लस है. सेक टीटा इंटू सेक टीटा मल्टीप्लाई बाय सेक टीटा या सेक टीटा इंटू सेक टीटा सेक स्क्वायर टीटा माइनस प्लस माइनस टेन टीटा इंटू टेन स्क्वायर टीटा. ये कैसे आया रीजन तुम लोग अगर लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख दो ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक टीटा इंटू सेक टीटा सेक स्क्वायर टीटा माइनस प्लस माइनस टेन टीटा इंटू टेन टीटा टेन स्क्वायर टीटा. सेक टीटा प्लस टेन टीटा एज इट इज ये स्क्वायर यहां पे लिखो सेक टीटा द होल स्क्वायर सेक स्क्वायर टीटा माइनस टेन टीटा द होल स्क्वायर टेन स्क्वायर टीटा. सेक टीटा प्लस टेन टीटा अपॉन सेक स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा का आंसर आता है वन. सेक स्क्वायर टीटा माइनस माइनस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन. तो सेक स्क्वायर टीटा माइनस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू वन. सेक टीटा प्लस टेन टीटा अपॉन वन यानी सेक टीटा प्लस टेन टीटा नीचे वन की वैल्यू नहीं रहती इज इक्वल टू राइट हैंड साइड.